हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त अनिल चौहान आपका अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी में टाइपिंग कैसे करें बिना कीबोर्ड के साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना हिंदी टाइपिंग जाने हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जिन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती, उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी टाइपिंग बहुत ही आराम से कैसे करें, वो भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों को यूज करते हुए। आपको हिंदी टाइपिंग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इंसान बहुत आसानी से हिंदी टाइपिंग सीख सकता है। जैसे कि आपको हिंदी में राम लिखना है, उसके लिए आपको बस कीबोर्ड से RAM प्रेस करना होगा और राम अपने आप लिख जाएगा। मान लीजिए आपको हिंदी में घर लिखना है, तो आपको बस हिंदी इंग्लिश में GHAR लिखना होगा और आपका घर अपने आप स्क्रीन पे छप जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको सबसे पहले चाहिए विंडोज 7, MS Office 2007 और एक इंडिक सॉफ्टवेयर। ये इंडिक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ हिंदी का सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम हिंदी टाइपिंग करेंगे। तो आइए शुरू करें अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले गूगल खोलते हैं। गूगल खोलने के बाद आपको भाषा इंडिया की साइट खोलनी है। ये साइट गूगल के द्वारा बनाई गई साइट है, सॉरी, ये साइट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई साइट है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा बनाई गई साइट है ये। इस तरीके से आप बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये टूल यूज करते हैं, जिसकी मदद से काफ़ी कुछ हिंदी में टाइप किया जा सकता है। एक बार जब आपकी साइट ये पूरी खुल जाए, तो फिर आप डाउनलोड पर जाइए और क्लिक कीजिए। आपको इस साइट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, जो कि मात्र 1 या 2 MB का है और बहुत ही आसानी के साथ में आपके विंडोज 7 में इंस्टॉल हो जाता है। आज ये साइट कुछ स्लो चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, साइट खुल गई है आपकी। देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी का ये टूल मिलेगा। ये सिर्फ हिंदी में नहीं, और भी कई सारी भाषाओं में लिख सकता है। इसके लिए जैसे असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, बहुत सारी भाषाओं में आप लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में ही इसको डाउनलोड करूँगा। आप इसको विंडो 8 में के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और विंडो 7 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर ऐसे होंगे जिनके पास विंडो XP होगी, तो आप विंडो XP के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन इन सब के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसे हिंदी में कैसे डाउनलोड किया जाए। आप देखिए, यहाँ पे विंडो 7 लिखा है, 32 बिट। सबसे पहले आप पता कीजिए कि आपकी विंडो कितने बिट की है। उसके लिए स्टार्ट खोलिए, कंट्रोल पैनल में आइए, यहाँ आपको सिस्टम मिलेगा। सिस्टम के अंदर आइए, यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप देखने को मिलेगा। देखिए, सिस्टम के अंदर के सिस्टम टाइप, यहाँ पे आपको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब मेरी जो विंडो 32 बिट की है, और मुझे जो है 32 बिट के ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो हिंदी पे आइए, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
डाउनलोड करने के बाद में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आइए आप, ये एक जिप फाइल है, इसको आपको अनजिप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसके अंदर जाइए, यहाँ पे आपको सेटअप फाइल मिलेगी, आप सेटअप पे क्लिक कीजिए। लेकिन सेटअप पे क्लिक करने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम सेटअप चलाएंगे तो यहाँ पे एक आइकॉन आएगा जिसकी मदद से हम अपने कीबोर्ड को स्विच कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी। तो सेटअप चलाते हैं, सेटअप पे क्लिक कीजिए, आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर ये आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, 1 या 2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। यकीन मानिए, जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और काम करने लगेगा, आपको खुद नहीं यकीन होगा कि आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, देखिए यहाँ एक आइकॉन बन के आ गया इंग्लिश EN। तो सबसे पहले अपना कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर खोल लीजिए, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस है, मैं खोल लेता हूँ। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूँ इसका। देखिए मुझे लिखना है राम, RAM, ठीक है। अभी मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को हिंदी में लिखना है तो उसके लिए मुझे इस आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही EIN का आइकॉन आ जाएगा, मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे I2 का एक आइकॉन आ जाएगा, ये इंडिक 2 का आइकॉन है जो सॉफ्टवेयर अभी हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पहले टाइप किया था RAM आपको दोबारा टाइप कीजिए, RAM, देखिए RAM, राम। आपको घर लिखने के लिए जी, आपको घा बनाने के लिए आपको GH ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको ऊपर दिखाएगा। देखिए घा बनाने के लिए GH लिखना है, तो G में टाइप कर चुका हूँ, मुझे बस H लिखना है। तो देखिए चेंज हो गया ये। अब मुझे एक, मैं A और दबाऊँगा, उसके बाद मैं R कर दूँगा, घर, ठीक है। आप इस तरह से बहुत ही आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है मेरा भारत महान, MERA, मेरा, BHARTI, भारत, MAHN, महान। तो देखा आपने, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कितने ही आराम से हिंदी टाइप कर सकते हैं, और आपको हिंदी टाइपिंग सीखने भी की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेटों को यूज कीजिए और इस कीबोर्ड की मदद से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें हिंदी में लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे आज्ञा दीजिए।